पीटीआई न्यूज पड़ताल हर खबर की। हम इस समय मौजूद हैं जनपद भदोही के नवोदय विद्यालय में, प्राचार्य जी से रूबरू करवाते हैं, वो इस विद्यालय के प्रांगण की पूरी विशेषताएं बताएंगे। देखिए, सबसे तो पहले मैं सीएम सिंह, प्रिंसिपल जेएनबी भदोही, और जहाँ तक प्रांगण की बात है तो ये पूरी तरह आवासीय परिसर है और अन्य विद्यालय की तुलना में इसका परिसर जरूर छोटा है, लेकिन बहुत बेहतरीन और हरा भरा एक परिसर रहा है। तो यहाँ साफ सफाई इत्यादि का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है और ये परिसर छोटा होने के बाद भी यहाँ संख्या जो है तकरीबन 550 बच्चे, मतलब आज के डेट में 545 बच्चे यहाँ इन्वॉल्व हैं पूरी तरह से, और छात्र छात्राएँ पूरी तरह यहीं रहते हैं और उनकी आवासीय व्यवस्था भी बिल्कुल अलग तरह की है, जो आमतौर पर हॉस्टल्स होते हैं उनसे अलग तरह की है, और बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक सुविधाएँ भी समय समय के अनुसार मुहैया कराई जाती हैं और उनकी सुरक्षा और संरक्षा का पूरा हमारी तरफ से ध्यान रखा जाता है। और फिलहाल अभी जो कोविड का एक दौर चला है तो इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी सावधानी की है और सभी बच्चे हमारे इस को जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं, और फिलहाल हमारे पास 10th और 12th के बच्चे आए हैं जो बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आए हैं, तो बेहतर ढंग से अच्छा महसूस कर रहे हैं कि वो काफ़ी दिनों बाद विद्यालय में आए हैं और उनका एक विद्यालय जो 10 महीने से तकरीबन दूर था या दूर से विद्यालय से वो आ गए और बहुत तन मन से वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बेहतर रिजल्ट होगा इस विद्यालय का। सर, इस विद्यालय के परिसर की जो थोड़ी बहुत असुविधाएँ हैं उसको व्यक्त कर सकते हैं आप? देखिए, हमारी संस्था की तरफ से या हमारे विभाग या सरकार की तरफ से कोई इस तरह की खामियां नहीं है, क्योंकि जितनी भी हम जरूरतें बताते हैं उनकी प्राथमिकता में होता है, वो तुरंत हमें प्रदान करते हैं। हाँ, ये है कि इसकी लोकेशन को लेकर के है, क्योंकि आज की स्थिति में विद्यालय का कैंपस अगल बगल की तुलना में नीचे हो गया है और बस्ती होने से ऊँचाई हो गई, इससे पानी की कभी कभी समस्या होती है, निकासी की समस्या, खासकर बरसात के दिनों में। अब बस्ती हो गई तो हमारे लिए गुंजाइश भी कम बची है कि हम पानी किधर निकासी करें, एक समस्या है, बाकी और सुविधा और संसाधनों की कोई यहाँ कमी नहीं है। कोविड-19 के बाद जो विद्यालय में बच्चों की शिक्षा बाधित हुई थी उसको आप सब ने कवर कर लिया है, पूरे शिक्षकों की टीम ने भी कवर कर लिया है, आगामी परीक्षा के लिए बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे बड़े की टीम वर्क है और बेहतर टीम वर्क है, आज की तिथि में ये बेस्ट टीम वर्क हम कर सकते हैं इसको, और बच्चों के लिए हम रिमेडियल या एक्स्ट्रा क्लासेस या सुपरवाइज के माध्यम से सारी चीज़ें हम उनका, और अभी भी हम उनके साथ लगे हैं कि उनको किसी प्रकार का स्ट्रेस या किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। रही बात संदेश की है कि तो मूल संदेश यही है कि बच्चे तनाव मुक्त रहें, तनाव मुक्त रहेंगे तो उनके स्टडी भी अच्छी होगी, हेल्थ भी अच्छा रहेगा और सोचने समझने का तरीका भी अच्छा रहेगा। तो हम चाहते हैं कि स्टडी तो हो बच्चों की, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, न टीचर की तरफ से दबाव हो, न पेरेंट्स की तरफ से दबाव हो, न बच्चे दबाव महसूस करें, लर्निंग फ्री इन्वायरमेंट में ही होनी चाहिए। सर, यहाँ पर बच्चे अपना घर छोड़ करके आते हैं और आप सबके संरक्षण में रह करके इतनी ज़्यादा, मतलब वो आप सबसे मिलजुल के रहते हैं और परिवार के जैसे फादर मदर हो गए, उन तरह से आप सब व्यवहार उनके साथ करते हैं, इस पर आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये हम सर देखिए एक जिम्मेदारी, इसको कहना थोड़ा कम आंकना होगा, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि जिसके संरक्षण में इतने बच्चे पलते हों पढ़ते हों और जिस विद्यालय परिसर में इतने बच्चे खेलते हों, वो बहुत भाग्यशाली इंसानी संस्था होती है और ये हम लोगों को नसीब हुआ है, नवोदय वालों को खासतौर से, तो ये तो बहुत अच्छा लगता है और हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये बच्चे अपने हैं पराए हैं, हम तो इन्हीं की फिक्र करते हैं और इन्हीं से हम सुख की तलाश करते हैं, तो बहुत अच्छा महसूस बच्चे भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं।